अगर आप अपने घर को पेंट करवाना चाहते हैं या डिस्टम्पर करवाना चाहते हैं, जब हमारा नया घर तामीर होता है तो उसके बाद मरला आता है इसको पेंट करवाने का। आजकल लोग पीवीसी पैनल भी लगवा रहे हैं, वॉलपेपर भी लगवा रहे हैं, लेकिन वो इतना पायदार काम नहीं होता, क्योंकि जो पेंट है इसकी पायदारी और खूबसूरती सबसे बढ़कर होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक रूम का आइडिया दूंगा, अगर आप उसमें पेंट करवाना चाहते हैं आपका कितना खर्च होगा, अगर आप इसी रूम को डिस्टम्पर करवाना चाहते हैं तो फिर आपका टोटल कितना खर्च होगा। आप ये वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक रूम पर हमारा इतना खर्चा होगा, फिर आप अपने पूरे घर का खर्चा खुद से कैलकुलेट कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद नवाज और आप YouTube पर अपना चैनल देख रहे हैं ZS ट्रेडर्स। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला इस वीडियो को देखने का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो लाइक कर दें। आपके लाइक से हमें खुशी होती है कि हमारे दोस्त व्यूअर हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए खैर व बरकत का दिन बना दे, आमीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टम्पर की। इसका खर्चा थोड़ा कम होता है अगर आपका रूम का साइज़ है 12x12 या 13x13। जब हमारा रूम प्लस्तर हो जाता है उसके ऊपर ड्रेग मार से उसकी जो सतह है उसको मुलायम करना पड़ता है, हमवार करना पड़ता है। जब आपकी दीवारें मुलायम होंगी तो आपका डिस्टम्पर भी कम लगेगा, वाल पुट्टी का खर्चा भी कम आएगा और आपके रूम की शाइनिंग भी ज़्यादा होगी। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपके घर को पेंट की खूबसूरती तभी नज़र आएगी जब आपकी दीवारें अच्छे तरीके से मुलायम और हमवार हो। तो रेग मार हमें चाहिए 120 नंबर, एक दर्जन आपका ये लग जाएगा। 80 रुपए का एक पत्ता इस वक्त मार्केट में मिल रहा है, आपका 1000 से लेकर 1200 रुपए इस पर खर्चा हो जाएगा। इसके बाद हमें प्राइमर का एक गैलन चाहिए, आप वाटर प्राइमर किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 1500 रुपए से लेकर 2200 रुपए रेट चल रहे हैं। डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट रेट होता है, जो ज्यादा अच्छी कंपनी है उसका रेट ज्यादा होगा। हमने अपने इस टोटल में 2000 रुपए ये शामिल किया है। इसके बाद वाल पुट्टी की आपकी दो ड्रमी लग जाएंगी, वाल पुट्टी पर आपका 5000 से लेकर 6000 खर्चा हो जाएगा। वाल पुट्टी भी डिफरेंट कंपनियों की इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी अच्छी कंपनी की वाल पुट्टी खरीद सकते हैं। मैं दोस्तों कंपनी का नाम इसलिए नहीं बता रहा कि कुछ मेरे दोस्त फिर कमेंट्स करेंगे कि आप ये वीडियो बना रहे हो ब्राइटो वालों की तरफ से, आप ये वीडियो बना रहे हो डायमंड कंपनी की तरफ से, या आप ये वीडियो बना रहे हो ICI डूलेक्स का जो पेंट है उनकी तरफ से। और भी बहुत से पाकिस्तान में पेंट की कंपनी है जो अच्छा पेंट बना रही है। अगर आपने इम्पोर्टेड पेंट खरीदना है तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है। आप माशाल्लाह खुद ज़हीन हो, किसी भी अच्छी कंपनी का आप पेंट वाल पुट्टी या प्राइमर खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारे दो गैलन लगेंगे एमएलसन के, आप उसको डिस्टम्पर भी बोलते हो, आप किसी भी कंपनी का ये डिस्टम्पर खरीद सकते हैं। मार्केट में अगर रेट की बात करें, ये आपको मार्केट में 1600 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक एक गैलन मिल जाएगा, डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट रेट होते हैं। तो हमें ये दो गैलन चाहिए, 3.64 लीटर का एक गैलन होता है, इन पर आपका 4000 खर्चा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लेबर की। दोस्तों जो लेबर का खर्चा है ये फिक्स नहीं होता, अगर आपके घर में काम ज्यादा है तो ये सस्ते दामों में हो जाएगा, अगर आपका सिर्फ एक रूम है तो फिर लेबर भी आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेगी। हमने अपने इस टोटल में 6000 शामिल किया है, ये खर्चा आपके एरिया वाइज कम या ज्यादा भी हो सकता है। इन सब चीज़ों का टोटल करें तो आपका रूम 13x13 या 12x12 साइज का रूम डिस्टम्पर हो जाएगा 19500 रुपए में। अब आपको एक आइडिया मिल गया कि हमारे एक रूम पर 19000 खर्च होगा, अगर आपके दो रूम है तो आप इस खर्चे को प्लस कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपने अपने रूम को ज्यादा शाइनिंग वाला बनाना है तो वो फिर पेंट से होता है, जो डिस्टम्पर होता है उसकी शाइनिंग थोड़ा कम होती है। लेकिन आप भी जानते हैं महंगाई की वजह से पेंट के रेट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो हमारे रूम का साइज सेम वही है 12x12 या 13x13। तो हमें रेग मार 120 नंबर चाहिए, एक दर्जन आपकी रेग मार लग जाएगी, 1000 से लेकर 1200 आपका इस पर खर्च हो जाएगा। इसके बाद वाल पुट्टी की दो ड्रमी लगेंगी, आपका 6000 खर्चा सेम हो जाएगा। प्राइमर का एक गैलन लगेगा 3.64 लीटर का, इस पर आपका 2000 खर्चा हो जाएगा। ये भी आप अच्छी कंपनी का खरीदेंगे तो और महंगा मिलेगा, अगर आप इसे सस्ते वाला खरीदेंगे तो ये फिर खर्चा आपका कम भी हो सकता है। लेबर की मजदूरी सेम होगी, आप पेंट करवा लें या डिस्टम्पर करवा लें, 6000 हमने इस टोटल में शामिल किया है। इसके बाद बात करते हैं पेंट के, हमें दो गैलन चाहिए, आप वाटर मैट किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, 3500 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक एक गैलन मार्केट में डिफरेंट कंपनी का मिल रहा है पेंट का।
हमने इस टोटल में 10,000 ये शामिल किया है। इन सब चीज़ों का टोटल करें तो हमारा एक रूम के पेंट पर 25,000 से लेकर 26,000 खर्चा हो जाएगा। तो आपको मैंने दोनों आइडियाज दे दिए, आपका जो डिस्टम्पर है वो 5,000 से लेकर 6,000 सस्ते में हो सकता है एक रूम। अगर आपने पेंट करवाना है ज़्यादा अच्छा, आपने अपने रूम को शाइनिंग वाला बनाना है, फिर आपका 5,000 से लेकर 6,000 से ज़्यादा खर्चा होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपके साथ मालूमात शेयर की। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।